आज मेरी श्रोताओं, जिस समय भगवान को याद किया है तो भगवान जिस समय सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरायण के गर्भ में प्रवेश किया है, एक बात और बता दूं मेरे श्रोताओं कि भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के कारण जिस समय उस बच्चे को बचाया है, पुनः लौट करके आए हैं। जब बच्चे का जन्म हुआ है तो बड़ी बड़ी दूर से सब लोग देखने के लिए आने लगे। भगवान कन्हैया की तरफ वो बच्चा देख रहा है, आंखें फाड़ फाड़ करके। पांच पांडव बोले हैं, श्याम ऐसे देख रहे हैं मानो कि तुम्हें जानता हो। जब ये कहा है कि जानता हो तो बोले हैं पांच पांडव कि कन्हैया ऐसे देख रहा है मानो कि जानता हो, तो कन्हैया बोले मुझे ऐसा लगता है ये मेरी परीक्षा ले रहा है, आज से इसका नाम परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस प्रकार से परीक्षित का जन्म हुआ और समय पूर्ण हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ में बाड़ी को विराम और कल यहाँ से आगे की कथा होगी, सृष्टि रचना होगी, सती ग्रह त्याग होगा, भोले बाबा के विवाह तक कथा चलेगी, तो भारी से भारी संख्या में सभी भक्त गण आए। बोलिए सच्चे दरबार की। एक दो लाइन का भजन बोलो उसके